ये लकड़ी पर रक्स करने वाला एक रक्कास है। इसके लिए आपको कार्डशीट, झाड़ू की लकड़ी, गोंद, सुई, धागा वगैरह लगेगा। सबसे पहले कार्डशीट लें और इसे दोहरा करें। आप देखेंगे कि रक्कास का धड़ और कंधे का दोनों हिस्सा दोहरा है, डबल है, बाकी इसके पैर और हाथ सिंगल है। इसके लिए आप धड़ और बाजू को डबल डबल काट लें। अब इन सबको सजा दें और धड़ का हिस्सा लें और रबर पर रखकर सुई से चारों नुक्तों में सुराख कर लें। बाकी मांदा सभी आज़ा के बनाए हुए नुक्तों में भी सुराख कर लें। इसके बाद धड़ को खोलकर इसके दरमियान में गोंद लगाएं और लकड़ी चस्पा कर लें और धड़ को बंद कर लें। अब बाजू में हाथ को सुई धागे की मदद से जोड़ लें। धागे में ऊपर नीचे दोनों तरफ गांठ बांध लें। इस तरह से एक कब्जा बन जाएगा जिससे हाथ और बाजू हरकत करेंगे। इसी तरह बाजू और हाथ को कंधे के साथ भी जोड़ लें। इसके लिए भी सुई धागे का ही सहारा लें। इस तरह से आप तमाम अज़ा को सुई धागे की मदद से जोड़ दें। आप देखेंगे कि इसके दोनों पैर हरकत करते हैं। दोनों हाथ भी हरकत करते हैं। अब ये रक्कास रक्स करने के लिए तैयार है। इसे आप स्केच पेन से खूबसूरती से सजा दें। ये इसका अगला हिस्सा है और ये पिछला। अब अगर आप लकड़ी को इस तरह से घुमाएं तो ये रक्स करने लगेगा। इसके हाथ हवा में उछलेंगे और ये आपको रक्स करता नजर आएगा। कुछ देर बाद इस रक्कास को एक साथी मिल जाती है जो भरतनाट्यम की रक्कासा है। इसकी एक लंबी चोटी है। इसकी लकड़ी को भी अगर हिलाएं तो रक्कासा भरतनाट्यम करेगी, जो आपको बहुत अच्छा लगेगा।